दरभंगा एम्स को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि सांसद संजय झा ने यह बताया कि दरभंगा एम्स जो यहां पर जो शुरुआत में कहा गया था कि जहां पर दरभंगा एम्स बनना है तय जगह पर ही दरभंगा एम्स का जो निर्माण है वो होना है, शोभन में ही दरभंगा एम्स का जो निर्माण है वो होगा। सांसद संजय झा ने इस बात की जानकारी दी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, ये बड़ी खबर है बिहार के परिपेक्ष में, क्योंकि दरभंगा एम्स को लेकर जिस तरह से पिछले कई सालों से सियासत हुई, अब जाकर शायद ये डेडलाइन कह सकते हैं कि अब सरकार ने तय कर दिया है कि तय समय पर और तय जगह पर ही दरभंगा एम्स का जो निर्माण है वो होना, शोभन में ही दरभंगा एम्स का जो निर्माण है वो होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए बिहार संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या ये माना जाए जिस तरह से बयान अब दिया गया है, जो जानकारी दी गई है सांसद संजय झा द्वारा कि शोभन में ही बनेगा दरभंगा एम्स, क्या डेडलाइन तय कर दी गई है और जितना जल्दी हो सके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए राकेश, राज्य सरकार ने जो दरभंगा के शोभन में एम्स बनाने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था, केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है और अब उसी जगह पे एम्स का निर्माण होगा, यानी कि एम्स के निर्माण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और राज्य सरकार जो चाहती थी वही हुआ है। यानी कि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले शोभन में एम्स के निर्माण को लेकर के कई बार विवाद भी हुए थे और जब बिहार में गठबंधन की सरकार थी तो उस समय बीजेपी के सांसद स्थानीय गोपाल जी ठाकुर ने धरना भी दिया था और उन्होंने कहा था कि शोभन में नहीं होना चाहिए। उस समय चूंकि केंद्र सरकार ने माना था कि यह जमीन काफी नीचे है और इस पर में एम्स का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन फिर बिहार सरकार और उनके आग्रह पर केंद्र ने अपनी टीम भेजी और टीम ने स्थल निरीक्षण किया और उस निरीक्षण के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि शोभन में ही एम्स का निर्माण होगा और उसकी आज विधिवत चिट्ठी केंद्र सरकार की बिहार सरकार को आ गई, यानी कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान अपर सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उनके पास ये पत्र आ चुका है और अब रास्ता साफ हो गया। इससे जदयू के जो सांसद हैं राज्यसभा के संजय झा ने खुशी भी जाहिर की और एक तरह से कहिए कि केंद्र और राज्य के बीच जो एम्स का मामला अधर में लटका हुआ था वो लगभग अब खत्म हो चुका है और कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि अब जितना जल्दी होगा एम्स का निर्माण भी हो जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।